हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक 102 रुपए पे परफॉर्मेंस कर रहा है। आज के दिन हमें गिरावट देखने को मिल रही है लगभग लगभग 1.5% के आसपास की। तो क्या यह गिरावट कंटिन्यू रहेगी या फिर यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है, इस पर हम करने वाले हैं चर्चा। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है यह डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट, यहाँ पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको शो कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 82 रुपए के आसपास स्टॉक था, यहाँ से तेजी आती है। स्टॉक तेजी से ऊपर कहां तक गया, लगभग लगभग 130 रुपए के आसपास फिर से स्टॉक में होती है गिरावट। और अब हम देखते हैं ऊपर की तरफ 105 रुपए के आसपास स्टॉक जाता है, फिर से नीचे लुट करके आता है, फिर 105 पे आता है, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से होती है गिरावट। 80 रुपये तक स्टॉक आया, फिर से यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट करते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ चला। कहाँ तक गया, 105 रुपये के आसपास फिर स्टॉक गया और अभी हमें फिर से यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहाँ से रिजेक्शन हो सकता है। यदि यहाँ पर होता ब्रेकआउट, यदि यहाँ पर ब्रेकआउट होता तो डेफिनेटली आपको टारगेट मिलता कहाँ तक का, 130 का। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ। यदि यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, स्टॉक 110 रुपये के आसपास जाता है, तब आप डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं नीचे की तरफ 105 का स्टॉप लॉस रख करके। ऊपर की तरफ टारगेट रखा 130 रुपये का, लेकिन यदि यहाँ से रिजेक्शन होता है उस केस में 80 रुपये तक स्टॉक आ सकता है। तो 80 रुपये के आसपास स्टॉक दिखे वहाँ पर भी आप बाइंग करके ऊपर की तरफ 100 रुपये तक के टारगेट रख सकते हैं।